IPL 2023 के ट्रेड विंडो का जो इतने दिनों से इतना बड़ा बिल्डअप चल रहा था, आखिरकार वो लम्हा आ गया है और IPL की 10 टीमों ने अपने अपने रिटेन और रिलीज प्लेयर्स की लिस्ट जारी कर दी है। तो देरी बिल्कुल भी नहीं करते हैं और एक एक करके मैं ऑल 10 टीम्स की रिटेन और रिलीज प्लेयर्स की लिस्ट आपके सामने रखने वाला हूँ और उसके बाद वीडियो के एंड में किस टीम के पास कितने स्लॉट्स बचे हैं, कितने प्लेयरों को वो और खरीद सकते हैं और किस टीम के पास सबसे ज्यादा पर्स है और किसके पास सबसे कम पर्स, कंप्लीट डिटेल एनालिटिकल वीडियो होने वाली है। सो आई विल सजेस्ट कि आप आराम से चाय कॉफी ला करके बैठ जाओ, वीडियो को एंड तक देखो। लेकिन आप में से जिनको जल्दी है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके वीडियो लेआउट से किसी स्पेसिफिक पार्ट पर अगर जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। नाउ विदाउट फर्दर डिले लेट्स बिगिन विद द प्लेयर्स लिस्ट। ये पूरी ही लिस्ट पिछले साल के पॉइंट्स टेबल के दम पे मैंने क्यूरेट की है। तो जो टीम सबसे नीचे थी यानी कि मुंबई इंडियंस, उससे शुरू करते हैं और उनके रिलीज प्लेयर्स की लिस्ट पर अगर हम नजर डालें तो यहां पर कायरन पोलार्ड के साथ साथ अनमोल प्रीत सिंह, डैनियल सैम्स, फेबियन एलन, मयंक मार्कंडे और मुर्गुन अश्विन का स्पिन डुओ और हैरानी के साथ रायली मेरेडिथ और संजय यादव को भी मुंबई इंडियंस ने रिलीज कर दिया है। कायरन पोलार्ड के बारे में तो हम सबको पहले से पता था लेकिन रायली मेरेडिथ का रिलीज हो जाना मेरे हिसाब से एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड डिसीजन था। किसी भी रिपोर्ट में रायली मेरेडिथ का नाम निकल करके नहीं आ रहा था और उसके साथ डैनियल सैम्स और बेसिल थंपी के साथ साथ जयदेव उनादकट के ये जो बॉलिंग ट्रियो थी जो आगे पीछे खेल रहे थे एक दूसरे के, इनको भी रिलीज कर दिया गया है। यानी कि फुल रिहैबिलिटेशन में मुंबई इंडियंस चली गई है और फुल थ्रॉटल गए हैं वो रिलीज पर और आने वाले समय में और ज्यादा नए खिलाड़ियों के साथ अपनी टीम बनाना चाहेंगे। जेसन बेहरेंडॉर्फ को ऑलरेडी अपनी टीम में लिया है। ऐसे में अगर उनके रिटेन प्लेयर्स की लिस्ट पर जाएं तो यहां पर कप्तान रोहित शर्मा के साथ टिम डेविड, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, रमनदीप, ईशान किशन, ट्रिस्टन स्टब्स, ब्रेविस, आर्चर, बुमराह, अर्जुन तेंदुलकर, कुमार कार्तिकेय, ऋतिक शौकीन और जेसन बेहरेंडॉर्फ जैसे खिलाड़ियों का नाम है। मुझे ऐसा लग रहा था कि मुर्गुन और मयंक में से कोई एक प्लेयर रिलीज ये नहीं करेंगे, एक प्लेयर को अपने पास रखेंगे और ऋतिक शौकीन का नाम थोड़ा सर्कुलेट हो रहा था कि शायद उनको मुंबई इंडियंस रिलीज कर दे, लेकिन मुंबई इंडियंस ने युवा खिलाड़ियों पर ज्यादा भरोसा जताया, इसलिए आपको वहां पर स्टब्स, ब्रेविस, इवन टिम डेविड, ऋतिक शौकीन जैसे खिलाड़ी दिख रहे हैं। ईशान किशन के रिलीज होने की बात हो रही थी, वो भी इसके साथ बने हुए हैं। अब देखना यह है कि IPL 2023 के मिनी ऑक्शन में मुंबई इंडियंस क्या करती है। नेक्स्ट टीम आफ्टर मुंबई इंडियंस जो कि पिछले साल पॉइंट्स टेबल में नंबर 9 पे थी इस चेन्नई सुपर किंग्स, और चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस के कायरन पोलार्ड की तरह अपनी टीम से ड्वेन ब्रावो को रिलीज कर दिया। इसके अलावा उथप्पा रिटायरमेंट ले चुके हैं, एडम मिल, क्रिस जॉर्डन, के एम आसिफ और नारायण जगदीशन को भी चेन्नई सुपर किंग्स से रिलीज कर दिया गया है। यानी कि इट इज लाइक एन एंड ऑफ एन एरा इन दी IPL। एक तरफ से कायरन पोलार्ड, एक तरफ से ड्वेन ब्रावो, मैदान पर वो प्यार भरी नोकझोंक हमें देखने को मिलती थी उसका अब ऑफिशियल एंड हो गया है। हालांकि CSK के CEO ने बोला है कि अगर कोई प्लेयर हमें कम दाम में मिलता है तो हम उसको दोबारा ले सकते हैं, लेकिन ब्रावो को आपने रिलीज इसीलिए किया है कि आप सैम करन के पीछे भाग पाओ, बजट आपने इकट्ठा करने की कोशिश की है। क्या ऐसा चेन्नई सुपर किंग्स कर पाएगी, मुझे बहुत ही मुश्किल दिखाई पड़ता है, क्योंकि अगर आप उनके रिटेन प्लेयर्स की लिस्ट देखो तो यहां पर कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी, डेवॉन कॉनवे, ऋतुराज गायकवाड़, अंबती रायडू, मोइन अली, शिवम दुबे, हांगरेकर, प्रतोरिया, सैंटनर, जडेजा, पूरी की पूरी टीम में दीपक चहर, तीक्षणा, पथिराना सबको रिटेन करके रखा है यहां पर चेन्नई सुपर किंग्स ने। और अंबती रायडू जिनके रिलीज होने की खबर तकरीबन कंफर्म मानी जा रही थी, उनको आखिरकार चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने साथ बनाए रखा है। सारी रिपोर्ट्स यहां पर गलत साबित हुई हैं क्योंकि अंबती रायडू पर महेंद्र सिंह धोनी को कॉन्फिडेंस था, लेकिन मेरे हिसाब से यह बहुत अच्छा डिसीजन नहीं है क्योंकि यह सैम करन को खरीदने में उनके रास्ते का एक बड़ा हर्डल बनेगा और अंबती रायडू की उम्र लगातार बढ़ती ही चली जा रही है और वैसे भी उनकी फिटनेस के इश्यूज हैं, तो चेन्नई सुपर किंग्स को ये मूव उल्टा पड़ सकता है। चेन्नई सुपर किंग्स के बाद जो टीम नंबर 8 पर थी इन द लास्ट ईयर्स पॉइंट्स टेबल वो थी सनराइजर्स हैदराबाद और उनका मेगा ऑक्शन कंप्लीटली मैसअप हो गया था। वो इससे पता चलता है कि उन्होंने अपने कैप्टन केन विलियमसन के साथ साथ यहां पर निकोलस पूरन, प्रियम गर्ग, रोमारियो शेफर्ड, शॉन एवर्ट, शशांक सिंह, श्रेयस गोपाल सभी को रिलीज कर दिया है। निकोलस पूरन और केन विलियमसन को रिलीज करने के बाद उनके पास
बजट तो काफी ज्यादा बढ़ गया है, लेकिन अब पहला सवाल यह है कि उनका विकेट कीपर कौन होगा, मोस्ट लाइकली ग्लेन फिलिप्स, और उसके साथ साथ उनका कैप्टन कौन होगा, इसके लिए हमें मिनी ऑक्शन का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जब आप मेगा ऑक्शन में राशिद खान, बेयरस्टो, वार्नर जैसे खिलाड़ियों को छोड़कर केन विलियमसन को रिटेन करते हो, 14 करोड़ रुपए आप उन्हें देते हो और एक सीजन के बाद उनको रिलीज कर देते हो, आपका कोच भी बदल चुके हैं, इससे पता चलता है कि आपके विजन में बहुत बड़ी गड़बड़ थी। उसके अलावा अगर इनके रिटेन प्लेयर्स की लिस्ट देखी जाए तो यहां पर एडन मार्करम के साथ अब्दुल समाद, राहुल त्रिपाठी, ग्लेन फिलिप्स, अभिषेक शर्मा, मार्को जेंसन, वॉशिंगटन सुंदर, कार्तिक त्यागी, फजल फारूकी, भुवनेश्वर कुमार, टी नटराजन और उमरान मलिक को इन्होंने रिटेन किया है। कार्तिक त्यागी और अब्दुल समद आखिरकार सनराइजर्स हैदराबाद में रुके हुए हैं। बहुत दिनों तक ये अफवाह चल रही थी, बहुत तगड़ी तरीके से चल रही थी, फ्रेंचाइजीज तैयारी भी कर रही थी इनके लिए कि ये दोनों प्लेयर शायद मनी ऑक्शन में अवेलेबल हो जाए, और इसी वजह से हैदराबाद को, बीसीसीआई को अपने प्लेयर्स की लिस्ट देने में थोड़ा समय भी लगा, लेकिन आखिरकार अपनी युवा जोड़ी को उन्होंने इंटैक्ट रखा हुआ है और उसके साथ अब देखना होगा कि मिनी ऑक्शन में कैसा प्रदर्शन करते हैं। सेवेंथ नंबर टीम इन दिस लिस्ट ऑफ रिटेन एंड रिलीज प्लेयर्स इज कोलकाता नाइट राइडर्स, क्योंकि पिछले साल वो भी नंबर 7 पर थे और पैट कमिंस के साथ साथ यहां पर कोलकाता नाइट राइडर्स ने सैम बिलिंग्स, अमन खान, मावी, नाबी, करुणा रत्ने, फिंच, हेल्स, तोमर, रहाणे, अभिषेक, बाबा इंद्रजीत, अशोक शर्मा, प्रथम सिंह, रमेश कुमार, रसिक सलाम और शेल्डन जैक्सन को रिलीज कर दिया है। लेकिन इनके नाम देख करके लग रहा होगा कि भाई इनके पास तो बहुत बड़ा बजट होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, इन्होंने अपना पूरा बजट शार्दुल ठाकुर, लोकी फर्गसन और रहमानुल्लाह गुरबाज पर खर्च कर दिया है और इस मिनी ऑक्शन में सिर्फ उसको अटेंड करने के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स जाएगी, बाकी प्लेयर्स खरीदने के चांसेस बहुत ही कम है। और अगर इनके रिटेन प्लेयर्स की लिस्ट पर आप जाओ तो कैप्टन श्रेयस अय्यर के साथ यहां पर नितेश राणा, गुरबाज, वेंकटेश अय्यर, आंद्रे रसल, नारायण ठाकुर, उमेश यादव, साउदी, फर्गसन, राणा, वरुण चक्रवर्ती, अनुकुल रॉय और रिंकू सिंह को इन्होंने रिटेन कर रखा है। मेरा ऐसा मानना था कि ये वरुण चक्रवर्ती को भी रिलीज करने के बारे में सोच सकते थे, थोड़ा सा बजट इनका और हो जाता। नारायण के साथ साथ अनुकुल रॉय इनके पास एक अच्छा स्पिनर है, मुझे नहीं लगता कि ईडन गार्डन्स के विकेट पे ये नारायण और चक्रवर्ती को एक साथ खिला पाएंगे, वरना फिर इनको एक तेज गेंदबाज कम खिलाना पड़ेगा। देखना होगा कोलकाता नाइट राइडर्स क्या करती है मिनी ऑक्शन में, क्योंकि पैसे इनके पास ज्यादा नहीं बचे हैं, लेकिन एज ऑफ नाउ पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल टीम ने कुछ बेहतर करने का काम जरूर किया है। द सिक्स्थ टीम ऑन द लिस्ट ऑफ रिलीज एंड रिटेन प्लेयर्स इज पंजाब किंग्स। अब पंजाब किंग्स ने भी सनराइजर्स हैदराबाद की तरह अपने कप्तान मयंक अग्रवाल को रिलीज कर दिया है, उसके साथ ओडीन स्मिथ, वैभव अरोड़ा, बेनी हावल, ईशान पोरल, संदीप शर्मा जैसे खिलाड़ियों को भी पंजाब किंग्स ने अपने से अलग कर दिया है। लेकिन मजे की बात यह है, शाहरुख खान, जिनका नाम मयंक अग्रवाल से भी पहले रिलीज प्लेयर्स की लिस्ट में था और वो रिलीज होने वाले थे, अगर मयंक अग्रवाल को पंजाब किंग्स रिलीज ना करती तो शाहरुख खान रिलीज होने वाले थे। कई रिपोर्ट्स ने बताया कि शाहरुख खान अभी भी रिलीज होने वाले हैं, और शाहरुख खान को कई बड़े बड़े जर्नलिस्ट ने यह भी बताया था कि चेन्नई सुपर किंग्स उनको टारगेट करने का प्लान बना रही है और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर भी उनके पीछे जाने वाली है। लेकिन हैदराबाद की तरह ही बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर शाहरुख खान को पंजाब किंग्स ने रिटेन कर लिया है, और अगर आप उनके रिटेन प्लेयर्स की लिस्ट देखो तो यहां पर शिखर धवन कैप्टन के साथ शाहरुख खान, जॉनी बेयरस्टो, प्रभ सिमरन सिंह, भनुका, जितेश, राज अंगद बाबा, हरप्रीत ब्रार, ऋषि धवन, लियम लिविंगस्टन, अर्शदीप सिंह और नेथन एलिस के साथ रबाडा और राहुल चहर जैसे खिलाड़ियों को उन्होंने रिटेन करके रखा है। शाहरुख खान का मेरा मानना था कि एक बार जब मयंक अग्रवाल प्लेइंग 11 से बाहर चले गए तो आप जितेश, लियम लिविंगस्टोन और शाहरुख खान को एक साथ अपनी टीम में खिला सकते हो। कई जर्नलिस्ट ने यह बताया, कई रिपोर्ट्स ने यह बताया और सही बताया था कि पंजाब किंग्स और शाहरुख शायद एक मत पे नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन आखिरकार खुशी है मुझे देखकर कि थोड़ा सा तो सेम डिसीजन पंजाब किंग्स ने यहां पर लिया और शाहरुख खान को अपनी टीम में बनाए रखा। फिफ्थ टीम ऑन दिस लिस्ट इज दिल्ली कैपिटल्स, जिन्होंने अपने ज्यादा प्लेयर्स तो रिलीज नहीं किए लेकिन अपना बजट ठीक ठाक जरूर फ्री कर लिया और शार्दुल ठाकुर के साथ टीम साइफर्ड, अश्विन हेबार, श्रीकर भरत और मनदीप सिंह को उन्होंने रिलीज किया। वहीं पंत, वार्नर, पृथ्वी शॉ, पावल, सरफराज, मिचेल मार्च, मुस्तफिजूर, लुंगी एनगीडी, खलील, कमलेश, चेतन, अनरक नौरकिया और कुलदीप यादव जैसे खिलाड़ियों को उन्होंने अपने साथ इंटैक्ट रखा है, यानी कि प्लेइंग 11 में सिर्फ शार्दुल ठाकुर ही बाहर जाने वाले हैं और उनकी जगह कोई और तेज गेंदबाज खेलेगा, लेकिन चेतन साकरिया, खलील अहमद, लुंगी एनगीडी, मुस्तफिजुर रहमान और अनरिक नौरकिया को एक साथ इंटैक्ट रखकर दे हैव एंश्योर्ड कि उनकी बॉलिंग लाइनअप किसी भी समय वीक नहीं पड़ेगी और दिल्ली कैपिटल
कैपिटल्स इस साल एक खतरनाक टीम बन सकती है। दिल्ली कैपिटल्स की तरह रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने भी एक्सपेक्टेड खिलाड़ियों को रिलीज किया है और उन्होंने यहाँ पर जेसन बहरेनडॉर्फ के साथ साथ अनीश्वर गौतम, चामा मिलिंद, नवनीत सिसोदिया और शर्फेन रदरफोल्ड को रिलीज कर दिया है। वहीं फाफ डुप्लेसी, विराट कोहली, सूयश प्रभुदेसाई, पाटीदार, डीके, अनुज रावत, फिन एलन, ग्लेन मैक्सवेल, हसरंगा, शाहबाज, हर्षल पटेल, डेविड विली थैंकफुली, करण शर्मा, महीपाल लोमरोर, मोहम्मद सिराज, हेजलवुड, सिद्धार्थ कौल और आकाशदीप को उन्होंने अपनी टीम में बनाए रखा है। सिद्धार्थ कौल ने अच्छी परफॉर्मेंस हाल फिलहाल में डोमेस्टिक में दी है, उनको नाम देख करके वहां पर खुशी हुई। डेविड विली को रिलीज करने की बात आ रही थी, अच्छा कदम है आरसीबी का जो उन्होंने उसको नहीं उठाया। एक ऑलराउंडर, लेफ्ट आर्म सीमर स्विंग बॉलर आसानी से मिलते नहीं है और प्लेइंग 11 भी इंटैक्ट दिखाई दे रही है। बस एक आधा खिलाड़ी उनको और पिक करना है मिनी ऑक्शन में, क्योंकि प्लेइंग 11 में बदलाव वैसे भी नहीं होने वाला। वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स भी अपने बड़े ऑलराउंडर को रिलीज करेगी, ऐसी खबर आ रही थी, लेकिन उन्होंने किया है सिर्फ एक को रिलीज और जेसन होल्डर के साथ यहां पर एंड्रू टाई, अंकित राजपूत, दुष्मंता चमीरा, इवन लुइस, मनीष पांडे और शाहबाज नदीम को रिलीज कर दिया है लखनऊ सुपर जायंट्स ने। शाहबाज नदीम को मेरा मानना था वो अपने साथ बनाए रख सकते थे, T20 फॉर्मेट में अच्छे स्पिन की भूमिका निभा सकते हैं। इवन लुइस क्योंकि ओपन में जगह नहीं है मिडिल ऑर्डर में, इवन लुइस का मामला जम नहीं रहा था तो उनको रिलीज करने का फैसला भी ठीक है। काइल मेयर्स को अपने साथ बनाए रखा है, ये देखकर मुझे खुशी हुई और मनन वोहरा को भी उन्होंने रिटेन कर रखा है। पूरी लिस्ट देखें तो यहां पर कैप्टन केएल राहुल के साथ क्विंटन डीकॉक, आयुष बदोनी, कर्ण शर्मा, मनन वोहरा, स्टोइनिस, कृष्णप्पा गौतम, दीपक हुड्डा, कृणाल पांड्या, आवेश मोहसिन, मार्क वुड और रवि बिश्नोई को अपने साथ इस टीम ने इंटैक्ट रखा है। खुशी में मुझे मनन वोहरा का नाम वहां देखकर और कृष्णप्पा गौतम का नाम वहां पर देखकर अच्छा लगा और काइल मेयर्स का कि इनको लखनऊ सुपर जायंट्स ने अपने साथ बना रखा है। लेकिन सबसे ज्यादा मुझे खुशी हुई मार्कस स्टोइनिस का नाम वहां देखकर, क्योंकि बहुत सी रिपोर्ट्स ने ऐसा दावा किया था कि बेन स्टोक्स को टारगेट करने के लिए मार्कस स्टोइनिस को रिलीज कर सकती है लखनऊ सुपर जायंट्स। और लखनऊ सुपर जायंट्स ने भी जल्दी बीसीसीआई को अपनी लिस्ट सौंपी नहीं थी, उन्होंने टाइम लिया, सोचा, समझा, एसेस किया और अच्छा डिसीजन लिया है और इसी टीम से वो अपनी प्लेइंग 11 भी उतार सकते हैं। पिछले साल की फाइनलिस्ट राजस्थान रॉयल्स ने भी लास्ट समय पर पलटी मारी और देवदत्त पड्डीकल को अपनी टीम में उन्होंने रिटेन रखा, लेकिन यहां पर जेम्स निशम के साथ साथ कॉर्बिन बॉश, डेरल मिशेल, करुण नायर, नेथन गोल्टनलाइल और राशि वेंडर डुसेन जैसे खिलाड़ियों को राजस्थान रॉयल्स ने रिलीज कर दिया। सभी का रिलीज मुझे समझ में आता है, लेकिन अगर आपने जेम्स निशम को रिलीज कर दिया है और पैसे तो आपके पास अब बचे नहीं, क्योंकि आपने अश्विन को भी बनाए रखा है, पड्डीकल को भी बनाए रखा है। इनफैक्ट पहले उनके रिटेन की लिस्ट देख लेते हैं, तो यहां पर संजू सैमसन के साथ यशस्वी जायसवाल, हिटमायर, पड्डीकल, बटलर ऑफ कोर्स, रियान पराग, प्रसिद्ध कृष्णा, ओबेद मैकॉय, ट्रेंट बोल्ड, नवदीप सैनी, आर अश्विन, चहल और करियप्पा जैसे खिलाड़ी राजस्थान रॉयल्स के साथ बने हुए हैं। तो बजट तो आपके पास बचा नहीं, ट्रेड विंडो भी गई, मिनी ऑक्शन का चलिया भी गई, तो अब आप किस तरीके से अपनी टीम बनाओगे, किस खिलाड़ी को आप लोगे जो आप अपनी बैटिंग और बॉलिंग के बीच जो मीठा बैलेंस ढूंढ रहे हो वो मिले। क्योंकि अगर आप इस साल भी अश्विन को ऊपर भेजोगे तो ये दाव आपका हर साल नहीं काम आने वाला। महाराष्ट्र की अच्छी बैटिंग विकेट्स पर आपका काम हो गया, लेकिन इस साल ऐसा नहीं होगा, तकरीबन इसकी गारंटी है। तो राजस्थान रॉयल्स ने यहां पर क्या किया है इसको समझना थोड़ा मुश्किल है। वहीं डिफेंडिंग आईपीएल चैंपियंस गुजरात टाइटंस ने भी कुछ खिलाड़ियों को रिलीज किया है। लोकी फर्गसन और रहमतुल्ला को वो ऑलरेडी ट्रेड कर चुके थे। उसके अलावा डोमिनिक ड्रेस, गुरकीरत सिंह मान, जेसन रॉय और वरुण एरोन को उन्होंने रिलीज कर दिया है। और हार्दिक पांड्या, शुभमन गिल, डेविड मिलर, अभिनव मनोहर, साहा, वेड, राशिद खान, तेवतिया, विजय शंकर, मोहम्मद शामी, अलजारी जोसेफ, यश दयाल, आर साई किशोर जैसे खिलाड़ियों को उन्होंने अपनी टीम में बनाए रखा है। अच्छा लगा मुझे आर साई किशोर का नाम देख करके दैट ही इज गेटिंग हिज ड्यू रिस्पेक्ट, लेकिन एक तरफ मैं सोच भी रहा था कि यहां उनको ज्यादा मौका नहीं मिलता है, किसी और टीम में जाएंगे तो रेगुलर मौका उनको मिल सकता है। नूर अहमद के बारे में भी मैं ये सोच रहा था, विजय शंकर के रिलीज की खबर आई थी, उनका नाम उसमें होना चाहिए था, लेकिन शायद सोचा हो कि कहीं हार्दिक पांडे को कुछ इंजरी वगैरह हो जाए तो एक थोड़ा सा फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर दिखाने भर के लिए तो हमारे पास कम से कम रहेगा ही। उसके अलावा राहुल तेवतिया को इस टीम ने रहना ही रहना था। गुरकीरत सिंह मान को जरूर रिलीज कर दिया है, लेकिन उसके साथ साथ अभिनव मनोहर बने हुए हैं। मैथ्यू वेट की भी खबरें थी, लेकिन उस पर भी अच्छा डिसीजन लिया गुजरात टाइटंस ने। मैंने पिछली एक कुछ वीडियोस पहले बात की थी कि फिनिशर का रोल उनको दें, ओपन आप ना करवाएं, उनको फिनिशर का रोल दें, वो रोल उनको जचता है, वहां वो पसंद करते हैं, ऑस्ट्रेलिया के लिए परफॉर्म करते हैं और गुजरात टाइटंस ने ऐसा ही किया। अब अगर रिमेनिंग प्लेयर स्लॉट्स की बात करें जिनको आप मिनी ऑक्शन में भर
सकते हो। तो सबसे ज्यादा स्लॉट्स यहां पर एज एक्सपेक्टेड सनराइजर्स हैदराबाद के पास हैं, कोलकाता नाइट राइडर्स के पास भी 11 स्लॉट है लेकिन उनके पास पैसे नहीं है, और उसके बाद लखनऊ सुपर जायंट्स के पास भी 10 स्लॉट है, सीएसके के पास 7, एमआई के पास 9, 9 आरआर, 7 जीटी और 5 दिल्ली कैपिटल्स के पास स्लॉट है। वहीं रिमेनिंग पर्स की बात करें तो सबसे ज्यादा पर्स यहां पर सनराइजर्स हैदराबाद के पास है जिनके पास 42 करोड़ रुपीज अवेलेबल है, पंजाब किंग्स के पास 32 करोड़, लखनऊ सुपर जायंट्स के पास 23 करोड़, मुंबई के पास 20 करोड़ और दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटन्स के पास तकरीबन 19 करोड़ रुपए इकट्ठा है और चेन्नई सुपर किंग्स के पास 20 करोड़ है, और सबसे कम पैसे यहां पर कोलकाता नाइट राइडर्स के पास है। मजे की बात यह है कि दूसरे सबसे ज्यादा स्लॉट केकेआर के पास है लेकिन पैसे उन्हीं के पास सबसे कम है, और मिनी ऑक्शन में ये टीम बहुत ज्यादा एक्टिव चाह कर भी नहीं रह सकती। लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद के पास बहुत सारे पैसे हैं, बहुत सारे ऑलराउंडर्स हैं, वो दो बड़े ऑलराउंडर को ऑलरेडी टारगेट कर सकते हैं क्योंकि फास्ट बॉलर्स उनके पास हैं, त्रिपाठी, अभिषेक शर्मा, वॉशिंगटन सुंदर के रूप में अच्छी इंडियन तिकड़ी है और एडन मार्करम उनके पास हैं, ग्लेन फिलिप्स उनके पास हैं, तो तकरीबन पूरी की पूरी टीम उनकी ऑलरेडी बनी हुई है, और अगर इसमें वो एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर और डाल देते हैं तो उनके पास 4 फास्ट बॉलिंग के ऑप्शंस भी हो जाएंगे क्योंकि नटराजन, भुवनेश्वर और उमरान 3 हो गए। उसके बाद आप एक ऑलराउंडर ले लो, फर्ज कीजिए बेन स्टोक्स आपने ले लिया या सैम करन आपने ले लिया, तो आपके पास 4 फास्ट बॉलिंग के ऑप्शंस हो गए। अभिषेक शर्मा, वॉशिंगटन सुंदर आपके पास 2 स्पिनर हो गए, एडन मार्करम भी वहां पर है, तो डेप्थ के साथ सनराइजर्स हैदराबाद आ सकती है लेकिन वो कैसा करते हैं मिनी ऑक्शन में उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो अब इस पूरी लिस्ट पर आपका क्या ओपिनियन है, मेक श्योर टू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो कि किस टीम ने सबसे अच्छा काम किया है इस आईपीएल रिटेंशन में और किसने सबसे खराब काम किया है, किस टीम से आप मिनी ऑक्शन में एक्सपेक्ट कर रहे हो, किन प्लेयर्स के पीछे हैदराबाद और लखनऊ जैसी टीमें भागेंगी, सब कुछ फटाफट से कॉमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। आई विल ट्राई टू रिप्लाई टू ईच एंड एवरी कॉमेंट, और अगर यहां मैं किसी वजह से रिप्लाई नहीं कर पाता हूं, यू कैन फॉलो मी ऑन ट्विटर एंड इंस्टाग्राम, और इसके अलावा डेप्थ एनालिटिकल वीडियो चैनल पर आने वाली है, so you have to stay tuned for everything that is coming your way, and I will see you soon in the next video.